बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव आए दिन सफलता का अभिप्राय बनते जा रहे हैं। राजकुमार हाल ही में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर संग फिल्म बधाई दो में नजर आए थे। फिल्म को LGBTQ कम्युनिटी पर फोकस करके बनाया गया है और इसमें एक और स्टीरियोटाइप्स टूटते हुए दिखाया गया है। भूमि और राजकुमार अच्छे कंटेंट पर काम करना पसंद करते हैं और ये फिल्म वैसी ही है। फिल्म के लिए राजकुमार और राव ने खूब मेहनत की। उन्होंने एक फोटो के जरिए अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया। सभी जानते हैं कि किसी भी रोल के लिए राजकुमार राव दीवानगी की हद तक चले जाते हैं। उन्होंने पहले भी फिल्मों में ऐसा करके दिखाया है, तभी तो उनका रोल काफी इम्पैक्टफुल रहता है। हाल ही में राजकुमार ने अपनी हालिया पोस्ट के जरिए ये बताया है कि बधाई दो फिल्म के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। राजकुमार ने एक कोलाज फोटो शेयर की है। इसमें एक तरफ उनके ट्रेनिंग पीरियड के पहले दिन की फोटो है तो वहीं दूसरी तरफ सेट के पहले दिन की फोटो है। दोनों फोटो को देखकर डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। ये डिफरेंस ही तो राजकुमार राव की मेहनत का नतीजा है। जी हाँ, उन्होंने बाइसेप्स बढ़ाई है और वे हल्के नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ राजकुमार ने कैप्शन में लिखा है, मेरे लिए दुनिया की बेस्ट फीलिंग वो होती है जब आप अपना दिल और आत्मा एक फिल्म में लगा देते हैं और ऑडियंस से आपके कैरेक्टर को ढेर सारा प्यार भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। #शार्दुल ठाकुर #बधाई हो #बधाई2 इन सिनेमा @भूमि पेडनेकर @जंगल पिक्चर। राजकुमार राव की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ सुनने को मिलती है और भूमि को भी लोग पसंद करते हैं। फिल्म को भारत में कोरोना की तीसरी लहर के बाद रिलीज किया गया है। कोरोना के केसेस अब 50,000 के लगभग पहुंच गए हैं। लोगों ने इस बात से राहत की सांस ली है, मगर राजकुमार की फिल्म को इसका कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। फिल्म ने दो दिनों में 4.37 करोड़ की कमाई कर ली है।